शिद्दत पसंदी पर मबनी डिजिटल करेंसी अलमारूफ क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की लेन देन करने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर। अदालत ने क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने को जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया बल्कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मिशन रोड मरियम प्लाजा के रहायशी दो नौजवानों को बाइज्जत बरी भी कर दिया। इत्तला के मुताबिक FIA साइबर क्राइम सेक्टर की जानब से 3 साल कबल क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने के इल्ज़ाम में मिशन रोड मरियम प्लाजा के रहायशी दो नौजवानों नीरज कुमार और सागर कुमार को गिरफ्तार करके गैर कानूनी कारोबार करने के FIR दर्ज कर ली थी। FIA साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज केस का फैसला अदालत में चलता रहा और मुतअद्दिद समाअतों के बाद एडवोकेट शाहनवाज शर ने मारूफ प्रोग्रामर वकार ज़का के केस का हवाला देते हुए बताया कि वकार ज़का केस में गवर्नर स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी या डिजिटल क्राइम करार नहीं दिया। वकार ज़का केस के मुतालिक रिमार्क देते हुए मजीद एडवोकेट शाहनवाज शर ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक स्टेट बैंक की जानब से ताहाल कोई कानून साजी भी नहीं की जा सकी, ना ही उसको जुर्म करार दिया है, जिस बिना पर क्रिप्टो करेंसी का केस का फैसला महफूज कर लिया गया। अहम तरीन हवाला जात पर मबनी समातों के 3 साल बाद बिलाखिर सखर की अदालत ने भी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार दोनों नौजवानों को बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। फैसले के बाद कंप्यूटर से वाबस्ता नौजवानों का डिजिटल करेंसी की दुनिया में कारोबार करना जुर्म करार नहीं पाया गया, जिसके तहत नौजवान नसल डिजिटल करेंसी के मैदान में अपना लोहा मनवाकर न सिर्फ अपनी आमदन में इजाफा कर सकती है बल्कि कौमी खजाने में आमदन में भी इजाफा करके मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती है।